नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सबका इस लाइव शो में जो आप देख रहे हैं रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से। आज मैं काफी दिनों के बाद मुखातिब हूं फिर एक बार आप सबके सामने, और कारण यहां पर ना आने का था। हमारी जो माताश्री है वो अस्वस्थ है, मैं उनके पास गया था और अभी भी वो अस्वस्थ ही है, और मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी तबीयत अच्छी रहे। और आप सबकी ओर से भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और वो स्वस्थ रहे। इस लाइव शो के माध्यम से हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, हम चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी का हम सफर बने रेडियो वितस्ता के माध्यम से। इस शो का उद्देश्य ये भी है कि आपके परेशानियों दुखों को कम करना। ऐसे ही हम कोशिश करते हैं रेडियो वितस्ता के माध्यम से, जो आप सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, जिसमें हम विभिन्न प्रोग्राम ले आते हैं आपके लिए, जिसमें भक्ति संगीत है, जिसमें फिल्म संगीत है और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स है, डिस्कशन प्रोग्राम्स है, जो आप सुन सकते हैं ऐप के माध्यम से और कई अलग अलग लिंक्स के माध्यम से जो इस लाइव सेशन के ऊपर दिए गए हैं। आप सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट radiovitasta.com से भी ले सकते हैं और वहां भी ऑप्शन है रेडियो वितस्ता सुनने को। हम चाहते हैं कि आप रेडियो वितस्ता अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और हम भी चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी का हम सफर बने। इन लाइव शोज का उद्देश्य केवल ये है कि हम नए टैलेंट्स, हम अपने कम्युनिटी के बच्चों को, स्टार्स को आपके सामने ले आएं और आपसे उनको रूबरू कराएं, और साथ के साथ हम चाहते हैं कि आप हमारी जो ये जर्नी है उसका एक हिस्सा बने। यहां मैं जरूर कहूंगा, जितने भी लोग देश के बाहर विदेश में रहते हैं उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि भारतीय समय अनुसार सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रेडियो वितस्ता काम करता है। आइए आज के प्रोग्राम की ओर चलते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अद्भुत है। जुड़वा होना अपने आप में एक चमत्कार है। आप सबने ये भी अनुभव किया होगा कि जुड़वा एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे सोच रखते हैं और एक जैसी दिलचस्पियों के साथ वो जीते हैं। ओहायो में डॉक्टर्स भी चकित रह गए जब उन्होंने गर्भ में 2 बच्चों को हाथ जोड़े देखा। तो कहीं ना कहीं जुड़वा होने का एक अलग ही आनंद है। आज का जो ये लाइव शो है इसमें भी हमने आज 2 जुड़वा बहनों को आमंत्रण दिया है और आज वो अपने जो प्रस्तुति है वो गायन के रूप में देंगे इस लाइव शो में। और ये दोनों बहनें गाती भी साथ साथ हैं, शरारतें भी साथ साथ करती हैं, और ये दोनों बहनें अपने माता पिता की लाडली हैं। आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमानों का, जो है श्रेया और सिमरन ग्रुटू, जो हमसे जुड़ी हैं जम्मू से। श्रेया और सिमरन, आपका स्वागत, अभिनंदन, माय बहुत स्वागत यात लाइव शो समंस। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है। मेरा नाम सिमरन है। आज रेडियो वितस्ता पर हमें लाइव आने का मौका मिला है। हम दिल से रेडियो वितस्ता और भरत अंकल का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया है, और हम आशा करते हैं कि पूरे शो के दौरान आज हमें आप सबकी ब्लेसिंग्स और आप सबका सपोर्ट मिलता रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। मैं यहाँ जरूर कहूँ कि हमारे साथ इस समय भरत जी जुड़े हैं कनाडा से, जो कह रहे हैं कि आवर मॉर्निंग टाइम हियर 6:30 बजे सुबह के वहां पे हो गए हैं और यहाँ 5:00 बजे हैं। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस लाइव शो में। हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं रेनू मेहता,
सुशील वली जी जुड़े हैं, वो आपको कहते हैं गॉड ब्लेस यू बोथ। और हमारे साथ जुड़े हैं सतीश गुरुटू जी, और आपका भी सतीश जी अभिनंदन इस शो में। और हमारे साथ रवि धर जी जुड़े हैं कश्मीर से, वो कह रहे हैं ग्रेट गोइंग। और भारत जी कहते हैं श्रेया और सिमरन वेलकम फ्रॉम कनाडा, आप दोनों का कनाडा से वो स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ी है मंदाकिनी कौल, नमस्कार कर रही है। मंदाकिनी जी आपका भी स्वागत इस लाइव शो में। आइए हम इन दोनों जुड़वा बहनों से बातचीत करने से पहले हम सारी जानकारी आज हम इन दोनों बहनों से ही ले लेंगे, पर कुछ जानकारी मैं भी अपनी ओर से इनके बारे में देना चाहूंगा। ये दोनों खूबसूरत जुड़वा बहनें श्रीमती राखी गुरुटू और श्री सतीश गुरुटू की बहुत लाडली पुत्रियां हैं, जो बचपन से ही गायन के शौकीन है। ये डांसिंग भी करती हैं और शरारतें भी साथ साथ करती हैं। बाकी सारी जानकारी हम इन दोनों बहनों से लेंगे। सिमरन और श्रेया, आप दोनों का एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। आपको इस लाइव शो में कैसा लग रहा है, पहले मैं ये जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये प्लेटफॉर्म दिया है आपने, तो उसके लिए हम शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। और जितने भी हमारे साथ सदस्य जुड़े हुए हैं, उनकी बस ब्लेसिंग्स और सपोर्ट चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म उन कलाकारों के लिए है जो जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं। और मैं ये मानता हूं कि हमारी खुशनसीबी है कि हम आप लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और आप हमारा आमंत्रण स्वीकार करते हैं और यहाँ पे आके आप अपनी प्रस्तुति देते हैं। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारी प्रथा है कि हम भगवान का नाम लेके इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी प्रस्तुति के लिए। और हमारे साथ जुड़े हैं बलवीर कुमार, ये जुड़े हैं सांबा जेएंडके से। जय हिंद, ये सांबा से। बलवीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे बड़े भाई अशोक कुमार दास जम्मू से जुड़े हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूं, सबका अभिनंदन। हमारे साथ सुधा मिश्रा जी जुड़ी हैं और ये ब्यास से जुड़ी हैं, वो कह रहे हैं नमस्कार, गॉड ब्लेस यू बोथ। मंदाकिनी जी भी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, और सतीश जी भी कह रहे हैं वी आर एक्साइटेड हियर टू वॉच योर लाइव परफॉर्मेंस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, आप बताइए किससे शुरू करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत हम एक कश्मीरी भजन से करेंगे। जी जी प्लीज गो अहेड। मणिकामना पजिलोल पादन तल्प्यमा मजय मछम मणिकामना पजिलोल पादन तल्प्यमा पजिलोल पादन तल्प्यमा पजिलोल पादन तल्प्यमा मजय मछम मणिकामना तुई छाखई शक्ति देवदार तुई छाखई शक्ति देवदार तुई छाखई जगतिच ताजदार तुई छाखई जगतिच ताजदार तुई छाखई गौरी पजिलोल पादन तल्प्यमा मजय मछम मणिकामना अमृत प्यालन भरान अमृत प्यालन भरान सोरा नर छख बागरान सोरा नर छख बागरान
हैरान, ऐस करत अख प्याला ता पजलोल पादन तल प्यमा मा जाई में छम मन का मना युस तस छख दीवान मज दर सुना पजलोल पादन तल प्यमा मजाई में छम मन का मना कर हा जाय आराधना पजिलोल पादन तल प्यमा पजिलोल पादन तल प्यमा पजिलोल पादन तल प्यमा मा जाय मैं छम मैंने का मना मा जाय मैं छम मन का मना पजिलोल पादन तल प्यमा पजिलोल पादन तल प्यमा। थैंक यू। सठा जान, सठा जान, बहुत खूब, बहुत खूब। सठा जान माजहुंद आशीर्वाद गस ए सर्वन पेट आसुन युजन लूक ऐसी जुड़े यथ शोस में कुछ के मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं सजाद अहमद खांडे, वो कह रहे हैं गॉड ब्लेस यू बोथ सिस्टर्स। और थैंक अंजलि भट्ट जुड़ी हैं, वो कह रही हैं गॉड ब्लेस यू बोथ। और मेरे क्लास फेलो कश्मीर से जुड़े हैं अब्दुल रशीद वानी, वो कह रहे हैं सो स्वीट। और हमारे साथ जुड़े हैं केरल से, नाम मैं शायद नहीं पढ़ पा रहा हूं, और वो कह रहे हैं डिवाइन सॉन्ग, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। जब हम दिल से गाते हैं तो हम हर एक दिल को छू लेते हैं। भारत जी आपको एक बार फिर शुभकामनाएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मेरी सिस्टर जुड़ी हैं जम्मू से, नमस्कार कह रही हैं और आपको आशीर्वाद दे रही हैं। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जो नाम जरूरी होंगे और जो टाइम मुझे लगेगा तो मैं नाम ले लूंगा। आइए हम इन दोनों बहनों से बात करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। और आप श्रेया और सिमर, हाँ जी, मुझे ये बताइए कि बचपन की क्या यादें हैं? आप दोनों में से बड़ा कौन है ये भी जरूर बताएं, और किसकी ज्यादा चलती है वो भी बताएं। बड़ी तो मैं हूं, 1 मिनट का ही फर्क है। हाँ जी, और बड़ी तो आप हैं। जी जी, और चलती जी मेरी है, चलती ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों खुश रहें, और बड़ी ये है और चलती आपकी है। हम आप दोनों को शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी को गुजारें, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराएं, हमारी कम्युनिटी को प्राउड फील कराएं, मुझे रेडियो विदस्ता परिवार को प्राउड फील कराएं। और बचपन की क्या यादें हैं कुछ हमसे आप साझा करना चाहते हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं। बचपन की यादें तो बहुत कुछ होती हैं। इन्होंने पैदा किया हमें, हमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस उठाए हैं इन्होंने हमारे लिए, बहुत कुछ किया है इन्होंने हमारे लिए। तो अब जी हम भी चाहते हैं कि हम भी इनके लिए कुछ ऐसा करें जिससे इनको प्राउड फील प्राउड हो। फील हो हमारे लिए। जी, और बहुत अच्छी बचपन की बात। यादें तो बहुत सारी जुड़ी हैं। कोई एक आदि आप हमसे साझा कर सकते हैं, कोई भी। बचपन की यादें ऐसे क्या तो होती नहीं है बचपन। चलिए, आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने जो माता का भजन गाया कश्मीरी में, तो आप केवल कश्मीरी में ही गाती हैं या और भी भाषाओं में गाती हैं? अगर गाती हैं तो कौन कौन सी भाषा में गाती हैं?
इंग्लिश गाते हैं, हिंदी गा जी लेते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग, पंजाबी, पंजाबी, कश्मीरी। वाह, आपको मैं ये बताऊं कि जो हमारी ऑडियंस है वो पूरे विश्व भर की है, जिसमें पंजाब से, हरियाणा से और बाकी स्टेट से भी जुड़े हैं लोग, और मैं चाहूंगा कि आप अलग-अलग भाषाओं में भी गाने गाएं, और मैं चाहता हूं कि अब आप कौन सी प्रस्तुति देंगे ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं, और उसके बाद हम प्रोग्राम में आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो गाने जा रहे हैं वो है, हम क्लासिकल सॉन्ग गाने जा रहे हैं जो कि जी श्रेया घोषाल ने गाया है, गरमोरे परदेसियां। बहुत ही वाह, खूबसूरत सॉन्ग है, तो हम अब वही आप लोगों के सामने पेश करेंगे। वेलकम। प्लीज गो अहेड, थैंक यू। रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तधिया न दी दृताना दे रे नोम, तधिया न दी दृताना दे रे नोम, तधिया न दी रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातो जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। तदिया न दादर न दीन तदि हो गई पन गट पर बर्ण बर्ण पनिया दीवानी, गई पन गट पर बर्ण बर्ण पनिया, हो नैनो की तेरे बाण से मूर्छित हुई रे हिरनिया, जो जन बनी मैं तेरी जोगनिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। थैंक यू। बहुत खूब डिवाइन लिख रहे हैं लोग, बहुत पसंद कर रहे हैं आपका जो ये जो प्रस्तुति है। इससे श्रेया और सिमरन ये पता चलता है कि आप संगीत की शिक्षा ले रही हैं, और बहुत अच्छे से ले रही हैं, क्योंकि जो आपने ये प्रस्तुति दी, ये बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी आपने, और इसमें जो समन्वय आप दोनों का था वो बहुत ही अच्छा था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग जो संगीत की शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं वो जानना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रमेश निराश, जो जम्मू से जुड़े हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सतीश जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल, और हमारे साथ जुड़े हैं अचल शर्मा जी जो दिल्ली से जुड़े हैं। अचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी वॉइस है आपकी। और हमारे साथ जुड़े हैं रमेश जी, एक बार फिर वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। सुनीता कौल जी कह रही हैं प्राउड मोमेंट फॉर ग्रू टू फैमिली, और हो सकता है कि मैं नाम गलत पढूं और मुझे उसके लिए माफी दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा ध्यान इस समय कई और चीजों पे होता है। आइए हम आपसे बात करते हैं, और बात करते हुए ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप संगीत की शिक्षा के लिए जाते हैं और साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो दोनों काम आप साथ साथ करते हैं या दोनों काम के लिए आपने अलग-अलग समय रखा हुआ है? जी बिल्कुल, दोनों कामों के लिए अलग अलग समय रखा है और रखना भी पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो अपनी स्टडीज है। म्यूजिक साथ साथ चलता ही रहता है, म्यूजिक कभी खत्म नहीं होता, तो संगीत मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। संगीत संगीत में ही मेरा मेन है, क्योंकि संगीत मेरा पैशन है। तो मैं फर्दर MA करना चाहती हूँ म्यूजिक में, फर्दर आगे की स्टडीज मैं म्यूजिक में ही करना चाहती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो संगीत जो है वो अभी मैं अपनी गुरु सुनैना कौल मैम उनसे सीख रही हूँ। तो फिलहाल वैसे ही अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गए थे, जैसे ही कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो अभी हमने ज्वाइन किया था कि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया,
तो फिर हम अपनी आगे की जो सिंगिंग है प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अब हम दोबारा ये कोशिश करना चाहेंगे कि ये कोरोना खत्म हो जाए, होप कि कोरोना जल्दी से खत्म हो जाए और और हम अपनी आगे की सिंगिंग की जल्दी प्रैक्टिसेस बिल्कुल स्टार्ट स्टार्ट कर कर ले। अब हम श्रेया एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा समय सिमरन को भी बोलने का देते हैं। सिमरन सिमरन, आप जब संगीत की शिक्षा लेते हैं तो उस समय फोकस क्या होता है, जो आपके गुरु हैं, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपको वो सिखाते हैं, तो आप क्या उसमें वापस घर आके दोबारा उस पर प्रैक्टिस करते हैं कि या जो वहां पे प्रैक्टिस की बस उतना ही काफी है? जो सिखाते हैं वो तो हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो जो रिदम होता है जो मैम ने जो सिखाया होता है वो रिदम अगर हम घर जाके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो रिदम टूट जाती है, तो जी, फिर वो रिदम रहता नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ क्या श्रेया की तरह आप भी म्यूजिक में ही अपना ग्रेजुएशन या आपके जी आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारा सेम ही है। अच्छा, सेम ही है। चलो, हम यही जानना चाहते हैं कि जो टिविन्स होते हैं, जो जुड़वा होते हैं, उनमें कितनी सम्मानताएं होती हैं और क्या क्या वो महसूस करते हैं, क्या क्या वो फील करते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि अगर तकलीफ एक को हो, दर्द दूसरे को होता है? बिल्कुल होता है, हाँ ऐसा होता है कभी, मतलब जैसे कभी डांट पिट जाती है मम्मा से पापा से, तो कोई ज्यादा ही जब जब ज्यादा ही डांट पड़ती है तो ये रोने लगती है, जब इसको पड़ेगी ऑब्वियसली, तो मैं रोती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, राजन सलाथिया, और वो कह रहे हैं वेरी नाइस, गॉड ब्लेस, और सुनीता कोल जी कह रही हैं ग्रेट, प्राउड ऑफ यू बोथ। और हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो डायरेक्टर रहे हैं, श्री एस खुर्शीद कादरी साहब, और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो गॉड ब्लेस यू बोथ कह रहे हैं। और मेरे एक दोस्त जो थिएटर से हैं, मोहम्मद निजाम, ये जुड़े हैं, वो ग्रेट कह रहे हैं, उनको आपकी बात जो है वो पसंद आ रही है। और एक और नाम मैं जरूर यहाँ पे लेना चाहूंगा जो 2-3 बार आया, वो नाम मैंने लिया नहीं, मैं कोशिश करूंगा उसको ढूंढ के वो नाम भी ले लूं। एनीवे, अभी नाम आगे आएगा फिर मैं वो नाम जरूर ले लूंगा। और आपसे जो हम बात कर रहे हैं, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे ये बताएं कि कश्मीरी हमारी मदर टंग है, तो आप कश्मीरी में कितना बोल सकते हैं और कितने टाइम के लिए बोल सकते हैं, कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं कि नहीं, मैं प्रश्न हिंदी में ही करूं? वैसे तो कश्मीरी हमें इतनी आती नहीं है बोलने, लेकिन अगर अगर हमें कोई कुछ थोड़ा बहुत बोल देता है कश्मीरी में तो हम ट्राई कर लेते हैं, समझ पाते क्योंकि हैं। हमारे क्योंकि जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हिंदी बोलते हैं तो हमें आदत आदत पड़ हो गई गई है है, ट्राई हिंदी में ही बात करने की, तो ज्यादा कश्मीरी बोली नहीं जाती, बट कश्मीरी कर जो लेते हैं। सॉन्ग्स हैं वो गा लेते हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो फिर वो गा लेते हैं अच्छा, डांट कश्मीरी में पड़ती है, हिंदी में? दोनों चलिए, जो बेटी है वो बहुत ही कोमल होती है। माँ बाप जब कभी भी अपने बेटियों के साथ कभी नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो हर माँ बाप का यही उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे जो है हर दिन कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। और ये हम भी आपसे हमेशा हमारी अपेक्षा रहेगी। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं शरद पंडिता जम्मू से, और वो बहुत एक अच्छे ही बहुत ही अच्छे गायक है और मेरे अच्छे मानने वाले हैं, और हमारे यहाँ अम्बाला रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आए हैं। और हमने इस सीरीज का पहला शो शरद के साथ किया था, और जो कारवां अभी भी चल रहा है, और शरद आप दोनों को कह रहे हैं स्टे ब्लेस्ड बोथ, और अंजलि भट्ट कह रही हैं कि मैं आप दोनों को बहुत प्यार करती हूं। और आगे की ओर हम चलते हैं, हमारे साथ ज्योति नेहरू जुड़ी हैं, वो कह रही हैं गॉड ब्लेस यू बोथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आशीर्वाद आप लोगों को मिलता है, ये आशीर्वाद आपको जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जाएगा। क्या इन सब लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, बारी बारी? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगी, आप लोग हमेशा ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, ऐसे इतना ही प्यार देते रहिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए, और अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही हम पे बरसाते रहिए। वेरी गुड। सिमरन, आपका भी यही कहना है? मैं हाँ जी यही कहना है मेरा भी, सपोर्ट कीजिए और ब्लेसिंग्स देते रहिए। चलिए, संजय राजदान जी कह रहे हैं मच अवेटेड, और संजय राजदान जी को आपका जो गाना है वो बहुत पसंद आया। और यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं जतिंदर गुप्ता, जो मेरे साथ कार्य करते हैं और ये अम्बाला से हैं, वो भी कह रहे हैं आपको स्टे ब्लेस्ड बोथ।
हर कोई व्यक्ति जो भी हमसे जुड़ा है वो आपसे प्यार भी करते हैं और वो आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और भारत जी कनाडा से लिखते हैं, आई नो हाउ ट्विन्स फील फॉर ईच अदर एज आई एम ब्लेस्ड टू विद माई ट्विन ग्रैंड सन्स। जी भारत जी आपने सही कहा और वही मैं कोशिश कर रहा हूं। आज मैं इन दोनों जुड़वा बहनों की जो काबिलियत है और जो इनकी शरारतें हैं वो मैं इस शो के माध्यम से आप सब तक लेके आऊं। श्रेया और सिमरन, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले मम्मी पापा के पास शिकायत लेने कौन जाता है? मैं जाती हूँ हर बार। चाहे आपकी गलती हो या ना हो। नहीं, अगर मतलब अगर दूसरा, हाँ वैसे तो वही बात है, अगर मेरी गलती नहीं भी होती है मैं तो भी जाती हूँ। चलो सिमरन बड़ी है और हमेशा बड़े को कहा जाता है कि आप बड़े हो, कम से कम आप तो संयम से रहो। खैर आप बड़ी हैं तो आपको ये रहना पड़ेगा और आगे हम चलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि एक कश्मीरी गाना हम आपसे सुने। मैंने आपसे एक गाना सुना है दिमियो दिलस, दिमियो दिलास, और ये कश्मीरी में है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों बहनें इसको गाएं और उसके बाद हम जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे। एक कमेंट मैं पहले लेना चाहूंगा। संजय राजदान जी कह रहे हैं यू आर प्राइड ऑफ आवर कम्युनिटी, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारी गाश तारीख है हमारी कम्युनिटी के। और अंबाला से विशाल जुड़े हैं, वो कहते हैं कि रेडियो वितस्ता सांस्कृतिक विरासत संजोने में अहम भूमिका निभा रहा है। विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सतीश जी कह रहे हैं माई ड्रीम गर्ल्स, रियली इसमें कोई शक नहीं है। सतीश जी आपका आशीर्वाद इन पे और सब पे होना चाहिए और हमारे लिए भी आप प्रार्थना करें कि हमारे दिन भी बहुत अच्छे से गुजरे। आइए हम सुनते हैं श्रेया और सिमरन से दिमियो दिलास। दिमियो दिलास गंडियो बलास पार्थो गिलास कुल नहीं तल, पार्थो गिलास कुल नहीं तल, पार्थो गिलास कुल नहीं तल। दिमियो दिलास गंडियो बलास पार्थो गिलास कुल नहीं तल, पार्थो गिलास कुल नहीं तल। लाल फल म्यानी बल थोब खास पार्थो गिलास कुल नहीं तल, पार्थो गिलास कुल नहीं तल। लाल छई ललवान पफते मास वन वांद्राई माजंबरजल, वन वांद्राई माजंबरजल, वन वांद्राई माजंबरजल। लाल छई ललवान पफते मास वन वांद्राई माजंबरजल, वन वांद्राई माजंबरजल, वन वांद्राई माजंबरजल। त्रोट माल गर यो लछते सास पार्थो गिलास कुल नहीं तल, पार्थो गिलास कुल नहीं तल। दिमियो दिलास गंडियो बलास पार्थो गिलास कुल नहीं तल, पार्थो गिलास कुल नहीं तल। यूर हो आयस चाइनी कलास अंध बंद रोजुम चाइनी कल, अंध बंद रोजुम चाइनी कल, अंध बंद रोजुम चनी कल। यूर हो आयस चनी कलास अंध बंद रोजुम चनी कल, अंध बंद रोजुम चनी कल, अंध बंद रोजुम चनी कल। मामला लोई ते दियो दिलास पार्थो गिलास कुल नहीं तल, पार्थो गिलास कुल नहीं तल।
दिमियो दिलास गंडियो वलास पार्थो गिलास कुल नहीं तल पार्थो गिलास कुल नहीं तल पार्थो गिलास कुल नहीं तल। थैंक यू। सेठा जान बहुत अच्छा, और आपने पूरे अच्छे से सुर लगाए। हालांकि मुझे संगीत की ज्यादा जानकारी नहीं है, पर आप लोगों के साथ बात करते हुए और इतने सारे शोज करने के बाद थोड़ी सी जानकारी मुझे सुरों के बारे में हुई, बट मैं गलत हो सकता हूँ, बट मुझे आपका जो गायन है वो बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में जब आप गा रहे थे तो एक कमेंट आया हमारे पास, और ये कमेंट लिखा संजय राजदान जी ने, वो कह रहे हैं व्हाट ए सिंक, 0.0000 भी डिफरेंस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब हम ट्विंस की बात करते हैं तो जब कोई भी वो काम करें, अच्छा काम करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें 100% सिंक होता है, और जब कभी लड़ाई भी करेंगे तब भी सिंक बराबर का होता होगा। खैर, हम आगे की ओर चलते हैं, और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म लेके आया, ताकि लोग सिमरन और श्रेया को जाने और आपकी जो काबिलियत है वो लोगों तक पहुंचे, और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, और आगे मेहनत आप लोगों को करनी है और आगे बढ़ना है आप लोगों को। और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा सिमरन और श्रेया, कल्चरल एक्टिविटीज में आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, हम ये जानना चाहेंगे। कल्चरल एक्टिविटीज में मैंने स्टार जेके स्टार अवार्ड उसकी मैं विनर रही हूँ, जेके जी स्टार अवार्ड और तानसेन संगीत विद्यालय, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज में हमने पार्टिसिपेट किया है, प्राइजेस भी मिले हैं। बट फर्स्ट प्राइज जो मैं विनर जिसकी रही हूँ, मैं जेके स्टार अवार्ड की रही हूँ, बाकियों में सेकेंड प्राइज, लेकिन वो प्राइज जो होता है कैश प्राइज भी अगर बहुत छोटा भी मिल जाए तो वो भी बहुत बहुत बड़ी बात होती है। किसी किसी गेस्ट से, किसी बड़े लोगों से, किसी बड़े सिंगर से प्राइज लेना बहुत बड़ी बात होती है, हाँ तो जी मेरे लिए सिमरन, बहुत। आपके लिए अब समय हमने दे दिया, अब सिमरन बोलेंगे। मैं फर्स्ट जो विनर रही हूँ वो रही हूँ तानसेन संगीत महाविद्यालय की, अच्छा और सेकंड, और जहाँ वो जहाँ पर मुझे सेकंड प्राइज आया था वो था जेके स्टार अवार्ड। ऐसे ऐसे ही कल्चरल एक्टिविटीज में ही हम पार्टिसिपेट करते रहते हैं, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी बहुत बार पार्टिसिपेट किया है, बहुत बहुत प्राइजेस भी मिले हैं, फर्स्ट सेकंड प्राइजेस। अभी जब आप कॉलेज जाती हैं, तो जैसे आप जो स्कूल जाती हैं, जाती रही हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, क्या उन्होंने आपको कभी स्कूल में कहा कि, या कॉलेज में कभी कहा है कि हमारे लिए ये गाना आप सुनाओ, और बिल्कुल कोई जी, फरमाइश की है? बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, करते रहते हैं अभी कॉलेज में, तो कॉलेज में फ्रेंड्स भी बोलते हैं कभी फ्री टाइम हो तो सिमरन श्रेया हमें ये सॉन्ग सुनाओ वो सुनाओ। हाँ और बिना तैयारी के आप सुना देते हैं, जी बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि एक कलाकार जो है, एक आर्टिस्ट जो है, उसके लिए मंच की जरूरत नहीं है। मंच वो होना चाहिए जहां पर वो है। वो मतलब ये कहा जाता है कि जहां पर भी आप परफॉर्मेंस दे देंगे, और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस जगह को मंच बनाएं। ये बहुत अच्छी बात है, और ये आप में एज एन आर्टिस्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मुझे एक चीज दिख रही है, जो मुझे यहां दिख रही है वो ये दिख रही है कि सिमरन बड़ी होने के बावजूद भी ये कम बोलती हैं, और शायद श्रेया इनको बोले नहीं देती है। रीजन क्या है बताइए। नहीं ऐसा नहीं है मैं वो लेकिन बहुत ज्यादा बोलती हूँ सबसे ज्यादा तो मैं बोलता हूं, मुझे कहा गया है कि आप कम बोला करिए, और जो गेस्ट आए उनको बोले दीजिए, आज आप दोनों का दिन है, आज आप मैक्सिमम बोल सकती हैं, पर साथ साथ हमें कुछ आपने सुनाना भी है। हमारी जो ऑडियंस है वो थ्रू आउट वर्ल्ड है। मैं चाहूंगा कि कोई पंजाबी गीत अगर आप गा सकती हैं, तो जितनी हमारी बारी पूरी देश की जो ऑडियंस है उनको पंजाबी गाने अच्छे लगते हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई पंजाबी गाना गाएं, और उसके बाद में कमेंट्स ले लूंगा, और प्लीज गो अहेड विद एनी पंजाबी सॉन्ग सॉन्ग जो आप चला सकते हैं, जो आप हमें गा के सुना सकते हैं। मैं तनु समझावा
तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने जावा की ना तेरे बिना लगदा जी, मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अगर मुझे पंजाबी ज्यादातर आती तो मैं कहता कि मैनू चंदा चंगा लग गया ये। तो मुझे भी ज्यादा पंजाबी नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी हरियाणवी बोल लेता हूँ, पर ज्यादातर मैं कश्मीरी बोल लेता हूँ। और मैं आपको कहूँ, हमारे साथ भारत जी कनाडा से बरकरार जुड़े हैं, वो कहते हैं कि आई एम एंजॉयिंग दिस पंजाबी सॉन्ग सो स्वीट बोथ ऑफ यू। और अचल अचल शर्मा जी दिल्ली से कह रहे हैं कि वेरी नाइस सिंगिंग इन पंजाबी ऑल्सो। और हमारे साथ जुड़े हैं पूजा हाकू भान, वो कह रही है यू आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू एवरी वन। तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, जो काबिल व्यक्ति है, जो यहाँ पर आके अपनी दिल से प्रस्तुति देना चाहे, वो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं इस समय कोशिश कर रहा हूं कि कम्युनिटी सीरीज एक मैंने शुरू की है, जो मेरी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करती है, मेरे रूट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, जो मेरी मदर टंग के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके साथ में एक सीरीज मैंने शुरू की है, जिसका हिस्सा आज का शो भी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मेरे कम्युनिटी सीरीज के शोज ही चलेंगे, यहाँ पे हर किसी भी लैंग्वेज का शो चलेगा। और हमारे साथ जुड़े हैं जसवंत सिंह मल्होत्रा जी दिल्ली से। गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग जसवंत जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। किरण ऋषि मटू जी जुड़ी हैं, गॉड ब्लेस यू बोथ कह रही हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां से आशीर्वाद आपके लिए आ रहा है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। श्रेया, आपने कहा कि आपने तानसेन संगीत महाविद्यालय से आपने पहला इनाम जीता, नहीं, मैंने लिया आपने जीता, सिमरन ने जीता वो। मैं आप दोनों से पूछूंगा कि जब प्राइज मिलता है, जैसे आपने कहा कि एक छोटा सा कैश प्राइज भी अगर मिले, प्राइज का मतलब है प्राइज, वो प्राइज एक आर्टिस्ट के लिए, एक बडिंग आर्टिस्ट के लिए कितना जरूरी है, उससे आपका हौसला कितना बढ़ता है? सबसे पहले तो जब जब कोई टीचर या फिर कोई सिंगर जब मुझे प्राइज देते हैं, जब भी कोई गेस्ट मुझे प्राइज देता है तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब
मुझे ये लगता है कि मतलब कि मैं उस लेवल तक जा सकती हूँ, उस लेवल तक ही सिंगिंग कर सकती हूँ जहां तक लोगों को मुझ में वो सिंगिंग दिखती है, तभी वो मुझे सिलेक्ट करते हैं और प्राइज देते हैं और फर्स्ट विनर बनाते हैं। तो मैं मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि मुझे प्राइज मिल रहा है, और मैं बहुत ज्यादा दिल से थैंक यू करती हूँ उन टीचर्स का जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो ऐसे बच्चों में क्वालिटीज देखते हैं कि ये इस लेवल तक ही सिंगिंग कर सकते हैं। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं आपको श्रेया ये कहूं कि जितने भी हमारी टीचर्स होते हैं, जितने भी हमारे मार्गदर्शक होते हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है हमारी क्वालिटीज को उभारने का। अगर आपकी म्यूजिक टीचर है या आपकी कोई भी सब्जेक्ट टीचर है, अगर उसको लगता है कि इस बच्चे में ये काबिलियत है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसको वो उभार सकता है और उसके बाद फिर आपकी मेहनत है। मैं सिमरन आपसे भी यही प्रश्न करूंगा कि जब आप भी फर्स्ट आई तो आपका उस समय क्या सोच थी और कितना अच्छा लगा था, और आगे आने वाले दिनों में आप फर्स्ट आने के लिए आप दोनों कितनी मेहनत करेंगे, इसके बारे में बता दीजिए। जब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे फर्स्ट प्राइज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स आए थे, दमदार सिंगर्स आए थे जिन्होंने परफॉर्म किया था, अच्छा दिया था। बट जब मैं अपना परफॉर्मेंस कर रही थी, तो उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद तो जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे फर्स्ट प्राइज देंगे। उन्हें इतनी पसंद आई थी मेरी सिंगिंग, तो जब मेरे को फर्स्ट प्राइज जब अनाउंसमेंट हुई कि विनर ऑफ तानसेन संगीत महाविद्यालय इज सिमरन, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था और बहुत खुशी हुई थी मुझे। तो मैं शुक्रिया करना चाहूंगी। एक कलाकार के लिए जो प्रोत्साहन है वो बहुत जरूरी है। प्रोत्साहन से ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मैं आपको एक कम्प्लीमेंट अपनी ओर से देना चाहता हूं, जब आप गाते हैं उस समय आपका ध्यान सिर्फ गायन पे होता है और आप दोनों का सिंक बहुत अच्छा है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट अपने साथ रखें, वो इंस्ट्रूमेंट आप दोनों को और कनेक्ट करेगा, चाहे वो हारमोनियम हो सकता है। आने वाले दिनों में आप उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, या एक गिटार का एक छोटा रूप आया है, आप उसको अपने साथ रख सकते हैं। उससे यह है कि आपको ताल और लय के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आप अपने आप में एक कंप्लीट एक बैंड बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो बहुत अच्छी है। और इसके साथ जुड़ा मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं, आपके पीछे टेडी बियर एक है, दूसरा कहाँ है? ये किसका है या ये दोनों का है? ये दोनों का है, ये ऐसा हो किसी नहीं का सकता, नहीं। जब आए होंगे तो दोनों ही दो ही आए होंगे या एक ही आया था? एक्चुअली ये कि जब हमारा बर्थडे था अभी 16 नवंबर को, तो हमें नहीं पता था कि हमारे मम्मा पापा हमें ऐसा गिफ्ट देंगे जो कि हमारा बहुत फेवरेट है। तो मैंने उनसे काफी टाइम पहले कहा था कि मम्मा मुझे ये टेडी पसंद है, तो पर ये नहीं पता था कि वो ऐसा टैडी होगा, इतना बड़ा है। उस दिन बहुत खुश हो गई थी, तो मैंने तो वो चलिए, इसको आप इस गिफ्ट को दोनों आपस में शेयर करते हैं, आगे की ओर चलते हैं हम इस प्रोग्राम में। और हमने पंजाबी गाया, हमने कश्मीरी गाया, अभी हमने कोई हिंदी सॉन्ग नहीं गाया, तो मैं चाहूंगा कि एक हिंदी सॉन्ग हो और उसके बाद मैं कुछ कमेंट्स भी लूंगा, या कमेंट्स में पहले लेता हूं। भारत जी कहते हैं, सिमरन एंड श्रेया, माई ब्लेसिंग एंड फुल सपोर्ट टू बोथ ऑफ यू। सबसे बड़ी बात है भारत जी, आपका जो ये प्रोत्साहन है हमारे मेहमानों के लिए और कम्युनिटी के बच्चों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप हमसे बेशक फिजिकली बहुत दूर हैं, आप इस समय कनाडा से हमसे जुड़े हैं, पर आपका प्यार हमेशा हमें मिलता है, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आपको भी हम साधुवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और हमारे साथ हमेशा बने रहें। हमारे साथ तो जुड़ी हैं वीना त्रिसल। वीना, नाइस सिंगिंग, गॉड ब्लेस यू, आपका अभिनंदन। बहुत सारे लोग इस बार हमें पहली बार हमारे इस शो में जुड़े हैं, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हो सकता कि मैंने उनका नाम ना लिया हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। हमारे साथ सुमन गुप्ता जुड़ी हैं, वो कह रही हैं, वाओ स्वीट वॉइस एंड सिंगिंग, गॉड ब्लेस यू बोथ, कीप इट अप। आप जब भी गायन करती हैं या आप जब संगीत की शिक्षा लेती हैं, क्या उस समय भी आपका मन पूरी तरह से उस संगीत की शिक्षा की ओर फोकस्ड होता है? बिल्कुल,
तो चलिए फिर संगीत आप जुड़ा ही जी है जी हमसे, बोलिए बोलिए बोलिए। संगीत तो बिल्कुल हमसे जुड़ा ही है, तो हमारा तो पूरा ध्यान वही वही रहता है। ओके चलिए अब हम सुनते हैं आपसे एक हिंदी गाना। आप कौन सा गाना सुनाएंगे आप? अब हम वो भी क्लासिकल ही है, श्रेया घोषाल ने गाया है। हमें बहुत पसंद है क्लासिकल। प्लीज गो अहेड। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। हमारे साथ जुड़े हैं अम्बाला से मनीष विग। वो कह रहे हैं वंडरफुल, उनको आपका जो गायन है वो बहुत पसंद आ रहा है। और हमारे साथ सुनीता मुंशी जुड़ी हैं, वो कह रहे हैं कि वन कश्मीरी सॉन्ग। और पूजा जी भी कह रही हैं कश्मीरी सॉन्ग, और एक कश्मीरी सॉन्ग हो जाए और उसके बाद हम बाकी की ओर चलते हैं। और मैंने आज आपसे एक खास जो गीत या कोई भी वो आपके ऊपर निर्भर होगा, पर मैं एक प्रश्न आपको आपसे करूंगा और उसके ऊपर आपको एक गीत गाना होगा, पर वो अभी नहीं। अभी मैं चाहूंगा कि जैसे पूजा जी और बाकी लोग कह रहे हैं कि एक कश्मीरी सॉन्ग हो, तो चलिए एक कश्मीरी सॉन्ग हो जाए और उसके बाद हम फिर आगे की ओर चलेंगे। कौन सा आप कश्मीरी सॉन्ग आपके पास इस समय तैयार है, फिर हम उसके ऊपर चलेंगे। डुबता गो मैं आपस, वाह 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 वाह। पक्यू महाराज पक्यू करी शुरू तेल। डुबते गो मैं आबस दरिया बस तरा तरा, डुबते गो मैं आबस दरिया बस तरा तरा, सुया चुमा पारे भैया पारे मराल मराल, सुया चुमा पारे भैया पारे मराल मराल, डुबते गो मैं आबस दरिया बस तरा तरा, डुबते गो मैं आबस दरिया बस तरा तरा, खून बन सदी में हाँ चिट्ठ लिखना विमाई, में हाँ चिट्ठ लिखना विमाई, खून बन सदी में हाँ चिट्ठ लिखना विमाई, मेहना का जवाबो भैया पारे मरान मरान, मेहना का जवाबो भैया पारे मरान मरान, डुबते गो मैं आबस दरिया बस तरान तरान, डुबते गो मैं आबस दरिया बस तरान तरान, मता मशरा मता कतरा म्यों सिद, मता कतरा म्यों सिद, मता मशरा मता कतरा म्यों सिद, वाद मता डालतम में हसोरी खरान खरान, वाद मता डालतम में हसोरी खरान खरान, डुबते गो मैं आबस दरिया बस तरान तरान, डुबते गो मैं आबस दरिया बस तरान तरान। थैंक यू। सठा जान सठा जान सठा जान। आ कमेंट आओ, वो कमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। म्यून क्लास फेलो अब्दुल रशीद वानिच उनके नस कशीर पेट ऐसे दिन जुड़ित, वो कह रहे हैं कि बच्चा नाचने लगा जब आप गाने लगे। देखिए आप जब गाते हैं इस शो के माध्यम से आप खुशी कहाँ कहाँ
पहुंचाते हैं। जैसे मैंने इस शो की शुरुआत में कहा कि यह शो के माध्यम से इस परेशानी की समय खतर की वक्त खतर दूर करा। तुझे आवाज रितन अख नन्ना बालक जो इस समय डांस करने लगा और वो भी कश्मीर में है, और आपकी आवाज वहां तक पहुंची इस शो के माध्यम से, मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है। और हमारे साथ जुड़े हैं फारूक ठाकुर साहब, वो कह रहे हैं वाह, उनको आपका गाना बहुत पसंद आया। मैं श्रेया और सिनन आपसे ये पूछना चाहूंगा, यूजन सुन कशिर जबान कुछ सान खतर जरूरी। बहुत जरूरी है अपना जो कल्चर होता है, जो अपनी भाषा मदर टंग होता है, वो तो हमें मतलब हर जगह यूज करनी ही करनी होती है। अब ये है कि हम कॉलेज आते हैं तो वहाँ फ्रेंड सर्कल्स में सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, तो हम बात नहीं कर पाते हैं ज्यादा कश्मीरी में। अदरवाइज तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हमारी भाषा। चलिए श्रेया, आपने इस समय पहली बार उनको बोलने का मौका दिया, आप भी बोल दिया। अब आप भी बोल दीजिए कि कौशल जबान कौशा सान खतर जरूरी, जन सुन कल्चर बहुत जो ज्यादा सुकोता सान खतर जरूरी। जरूरी है, क्योंकि कल कोई होता है, कल को बड़े जो लोग आते हैं घर पे, अगर कोई भी घर पे कश्मीरी भाषा यूज करता है, दूसरों को नहीं आता, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कश्मीरी भाषा हमारे लिए। चलिए अभी हम आगे की ओर चलते हैं। मेरे बड़े ब्रदर अशोक कुमार दास जम्मू से जुड़े हैं, वो कहते हैं स्वीट वॉइस स्टे ब्लेस्ड बोथ ऑफ यू। और भारत जी कनाडा से कह रहे हैं मेस्मराइजिंग, और अशोक कुमार भट्ट जुड़े हैं हमसे, वो गॉड ब्लेस यू बोथ कह रहे हैं। और बहुत बहुत बड़ी बात है, हमारे साथ जुड़े एक अम्बाला के एक जाने माने सिंगर कमल भारद्वाज, वो कहते हैं कि मुझे समझ तो नहीं आया कश्मीरी, बट इट साउंड्स वेरी गुड एंड म्यूजिकल। कमल जी, मैंने आपको भी कहा है कि आप एक कश्मीरी सॉन्ग के लिरिक्स याद करिए, और आपसे मैंने एक कश्मीरी गाना अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करना है। जैसे हमने पहले भी आपका एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है, मैं चाहता हूं कमल जी आप कश्मीरी में एक सॉन्ग तैयार करें और उसको रिकॉर्ड करें। सती जी कह रहे हैं कि थैंक्स भारत जी फॉर प्रमोटिंग देयर टैलेंट, मारा ये मेरी जिम्मेदारी है और इन बच्चों की मेहनत है जो लोग इस समय बहुत लाइक कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं इमोशनल प्रश्न करूंगा आप दोनों से। हमारे पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, चाहे उनको खुशी देना हो, चाहे उनको एजुकेशन देना हो, चाहे उनको अलग अलग जगह पहुंचाना हो, अपने काम में समय निकाल के वो आपको पढ़ाते हैं, वो आपको ट्रेनिंग कराते हैं। और माँ एक ऐसा शब्द है जिसके इर्द गिर्द परिवार के सारे सदस्य होते हैं। मैं सिमरन और श्रेया से पूछना चाहूंगा कि माँ शब्द को आप कैसे डिफाइन करेंगे? मेरे लिए माँ जो है, माँ का जो शब्द है, मैं उसे मतलब पहली बात तो ये है, माँ के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, बट फिर भी अगर माँ को बताएं हम, तो माँ मेरे लिए भगवान है। वही हमें सही गलत का रास्ता बताती है। हाँ श्रेया, जी, माँ जो है सबसे पहले मैं माँ को बोलूंगी, माँ के लिए कोई वर्ड्स तो है नहीं, बट माँ के लिए फिर भी अगर कुछ बोला जाए तो माँ के लिए ये कहूंगी, माँ जन्नत है मेरे लिए, माँ मेरे लिए सब कुछ है। माँ एक ऐसी चीज है जो सबको गलत गलत और सही का रास्ता दिखाती है। तो हम छोटा सा गीत उनके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे। वाह बहुत अच्छी बात है। और पापा के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनका नाम अभी आया नहीं। जी नहीं, जी क्योंकि आपने माँ के लिए कहा था तो मैंने सोचा जी हाँ जी माँ के मैंने लिए। स्पेशली कहा, मैंने सोचा था कि आप जोड़ेंगे पापा का नाम ही, क्योंकि शो के बाद तो नमस्कार उनको ही करना है। जी, जी, मैं तो चाहूंगा पापा कि जो उनका त्याग है, जो उनकी मेहनत है, उसको भी हम इस शो के माध्यम से लिखे आए तो बहुत अच्छी बात है। सबसे सबसे पहले तो अगर मैं पापा के बारे में ये बोलूं, तो पापा के लिए भी कोई वर्ड्स नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो बेटियां होती हैं वो पापा के लिए डॉल होती हैं, पापा की सबसे जी प्यारी बेटियां होती है वो। जी तो मैं अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ, मैं कहीं कभार बहुत ज्यादा शरारती चीजें कर लेती हूँ, कहीं कभार गुस्सा भी हो जाती हूँ बीच बीच में, फिर वही मनाते हैं। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है मनाना, मुझे मुझे कोई मनाए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी सती जी ने लिखा था कि दे आर माई ड्रीम गर्ल्स, रियली इसमें कोई शक नहीं है। और आप दोनों की स्माइल जो है वो बहुत अच्छी है, और मैं ये चाहूंगा कि आप माँ के लिए कोई भी गीत या गाना जो डेडिकेट करना चाहते हैं, आइए ये
आपकी माँ के लिए है और उन सभी माँ के लिए। और मैं कोशिश करूंगा, मैं चाहूंगा कि मेरी माँ भी अगर पॉसिबल होता तो ये सुन लेती, तो मैं सभी माओ के लिए ये गाना डेडिकेट करूंगा जो आप अपनी माँ के लिए गाएंगे। प्लीज गो अहेड। ये सॉन्ग सभी सभी माओ के लिए, जो भी हमसे कनेक्ट भी है यहाँ पे और जो नहीं भी है उन सब के लिए भी। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। बड़ा हुआ हूँ मगर बचपन कहीं बाकी है। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। जो सुकून मिलता तेरे आंचल में, ना कहीं मिलता दुनिया में। काश सो जाऊं, सोते ही रह जाऊं, है थकन कितनी अखियों में। दुनिया तो कितना सताती है माँ, वो बारिश में गम की रेगाती है माँ। तू तो खुद भीग जाए सूखे में सुलाती है। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। तेरे ही आंचल में दर्द दिल के क्यों अपने छुपाती है। तू छुपा मुझको आंचल में, हाल हफ्तों से पूछा नहीं तेरा, देख कितना हूँ पागल मैं। क्यों जख्म किसी को दिखाए नहीं, क्यों ये किसी को बताए नहीं, कि तू सबको खिलाए बिन खाए सो जाती है। लोरी सुना फिर से, मुझे नींद नहीं आती है। तेरे ही आंचल में बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोगों ने मेरी आंखें भी नम कर दी, क्योंकि जो मेरी माँ है इस समय वो इस स्थिति में है, वो शायद मुझे भी पहचानने की स्थिति में नहीं है। और एक बार उन्होंने जिंदगी में सब कुछ हमें दिया और हमें इस काबिल बना दिया कि हम आप लोगों के सामने आए। और मैं ये गाना सबके लिए डेडिकेट करता हूँ और मैं अपनी माँ को भी कहता हूँ आई लव यू, और भगवान उनको अच्छा रखे और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। अगर हम इस बात पे मैं ज्यादा बोलूं तो हो सकता है कि मैं भावुक हो जाऊं और हम इस भावुकता से बाहर निकल के, क्योंकि जिंदगी आगे की ओर चलती है, हम आगे की ओर चलते हैं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, राखी जी और सतीश जी, आप लकी हैं, आपके पास हीरे हैं ये दोनों, जो आपको इतना प्यार करते हैं और हमारे देश के लिए, विश्व के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़े आने वाले दिनों में सिंगर बनने वाले हैं और इनकी इतनी क्षमता है। और मैं चाहूंगा कि मेरी ओर से भी और मेरे परिवार की ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मिले, और मैं चाहता हूं कि आप तरक्की करें और हम आपको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे देखें। हम इस प्रोग्राम को आगे की ओर लेके चलते हैं। अब थोड़ा सा तड़क बड़क सा हो जाए ताकि मैं भी इस माहौल से थोड़ा बाहर आऊं, क्योंकि मैं शो में खास करके ज्यादा भावुक नहीं होता, क्योंकि माँ की बात हो रही थी तो माँ के लिए तो हर कोई
भावुक हो जाता है। और मैं चाहता हूं कि एक मैंने एक दो दिन पहले आपका एक पंजाबी सॉन्ग सुना जो आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला। मैं चाहूंगा कि उस यूट्यूब चैनल पे जो आपने सॉन्ग डाला तितलियां, और क्योंकि आप दोनों भी तितलियां जैसी ही हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो शरारतें और इस गाने में हो जाए वो आप हम सबके लिए परफॉर्म करें और थोड़ा सा हम भी एंजॉय करें और हम भी अपने मूड को थोड़ा चेंज करें। प्लीज गो अहेड विद तितलियां और उसके बाद में बहुत सारे कमेंट्स ले लूंगा। मैं उदे पीछे मारा जग जाड़ला उन्हें पर मेरे लिए मरदा। मैं उदे पीछे मारा जग जाड़ला उन्हें पर मेरे लिए मरदा। कदे सफुलते कदे ओ सफुलते यार मेरा तितलिया वरगा, यार मेरा तितलिया वरगा, यार मेरा तितलिया वरगा। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, नशा करता है, यार मेरा हर एक से अब वफा करता है, वफा करता है। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, यार मेरा हर एक से अब वफा करता है। छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए, आंखों में आंखें डाल के दगा करता है। मैं जान रे तू मेरे नाल भानी नी कोई, तेरी प्यास मिटावा मैं पानी नी कोई। मेरे सामने ही तार दाए होर कुड़िया आग लगे शर्म पड़ेगा। कदे सफुलते कदे ओ सफुलते यार मेरा तितलिया वरगा, यार मेरा तितलिया वरगा, यार मेरा तितलियां वरगा। बहुत खूब, बहुत खूब। तितलियां तो यहाँ उड़ रही हैं इस समय, इस समा में जो यहाँ आप लोगों ने समा बांधा, तितलियां उड़ रही हैं और हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। और कमेंट आया है सुनील जी का पुणे से, वो कहते हैं कि माँ वर्ड इज पावरफुल वर्ड फॉर गॉड आफ्टर गॉड, कीप इट अप। सुनील गुरुटू फ्रॉम पुणे, प्राउड मोमेंट फॉर गुरुटू फैमिली टू हैव टैलेंटेड सिंगर्स अमंग अस। यही मैं चाहता हूं कि सब लोगों को पता चल जाए कि आपके परिवार में इतने अच्छे गायक हैं और आने वाले दिनों में वो उम्मीद करेंगे आपसे मिलेंगे, हेलो करेंगे, हाय करेंगे, और मैं चाहूंगा कि वो आपसे एक ऑटोग्राफ भी लें और दोनों ऑटोग्राफ एक ही पेज पे हो आने वाले दिनों में, मैं ऐसे कामना करता हूं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और आपने बहुत अच्छा ये गाना गाया और मैंने ये कल ही सुना था आपके YouTube चैनल पे और मैंने कमेंट भी किया था उस पे, तो मैंने उसी समय नोट किया था कि ये हमारे शो का हिस्सा आज बनेगा। और आगे की ओर चलते हैं। आपने जो आपकी डिटेल्स मैंने पढ़ी उसमें एक एक्सीडेंट हुआ था, वो किसका हुआ था और किसको ज्यादा तकलीफ हुई थी उसके बारे में बताएं। श्रेया आप बताओ। हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ था, कुछ काम से हम बाहर गए थे मामा के साथ, तो रोड फुटपाथ पे जब चल रहे थे तो वहाँ पे मैन होल था, वो तब सर्दियों का मौसम था तो तब अंधेरा था और उसके ऊपर पत्ते वगैरह थे तो वो किसी को दिखाई नहीं दिया तब। तो हम चल रहे थे, अचानक से हम दोनों ने वैसे ही हम एक दूसरे का हाथ रोज पकड़ते हैं, तो अचानक से मेरा हाथ स्लिप हो गया, इसका इसका पैर भी स्लिप हो गया, तो वो सडनली उसके अंदर चली गई मैन होल के अंदर। और तो फिर इट वाज मतलब बहुत दुख की बात थी तब, मैं बता नहीं सकती उसको। तो ये जब अंदर मैन होल के अंदर चली गई थी तो फिर माहौल ही वैसा बन गया था, मैं चीख रही थी, मैंने फिर मम्मा को कॉल किया, मैंने मम्मा को बोला मम्मा जल्दी से आओ, मम्मा यहाँ पे, मम्मा भी आके गिर गई, एक्चुअली तब पता नहीं लगता है, तो फिर जी मम्मा जी। भी गिर गई, फिर मेरे मामू तो वो आए, वो वही वहीं पे थे, तो वो उनको हमने कॉल किया, वो आए तो फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके चले गए, तो वो कह रहे थे कि उनको रॉड लगानी है, तो मैं मेरा दिमाग ही तब काम करना बंद कर दिया, मतलब जी ऐसा क्या हो गया।
जब इसको उठा रहे थे तो ये चल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो फिर काफी टाइम के बाद थोड़ा ये इसको ठीक पड़ा, तब तब मैं स्कूल जाती थी। तब फिर ये हालत में नहीं थी, स्कूल जाने की हालत में नहीं थी बिल्कुल भी। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करती थी। मैं कुछ मुझसे कुछ खाया नहीं जाता था, ये इसको तो वैसे ही नहीं खाया जाता था, इससे मुझसे फिर खाया नहीं गया कुछ भी। तो फिर फोर्सिबली अब ठीक रहने के लिए, अगर एक बंदा अगर ऐसा हो गया तो दूसरे को ऑब्वियसली ठीक होना ही पड़ता है फैमिली के लिए। यही मैं चाहता था कि आप ये कहें कि जब परेशानी जिंदगी में एक व्यक्ति के साथ आती है तो दूसरे को उसका साथ देना बहुत जरूरी है, और जिंदगी में जब अच्छे दिन होते हैं तो मुश्किलें भी आती हैं, और जब मुश्किलें आती हैं तो वो भी नहीं रहती हैं, वो भी चली जाती हैं, हमारा आत्मविश्वास होता है कि जो हमें आगे की ओर चलाता है। मैंने ये प्रश्न इसलिए आपसे किया कि बहुत सारे लोग जब मुश्किलें आती हैं तो वो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, मुश्किलें जिंदगी में आती हैं और मुश्किलें हमें और सतर्क कर देती हैं। जब भी उसके बाद आप दोनों कहीं पर भी चले जा रहे हैं, और आप कम से कम इस चीज का ध्यान रखें कि अगर कोई रास्ते में कोई जगह खुली है तो आप उस तरफ नहीं जाएंगे। जब हमारे साथ कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती है तो हम उनसे सीख लेते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपको आशीर्वाद है अपने पेरेंट्स का, और जिंदगी में मुश्किलें आएंगे तो वो दूर भी हो जाएंगे। आइए हम अब एक स्टेप और आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने पंजाबी भी गाया, हिंदी भी गाया, और अभी हमने अंग्रेजी नहीं गाया, तो मैं चाहूंगा कि इंग्लिश सॉन्ग हो जाए और उसके बाद फिर वापस हम आ जाएं अपनी कश्मीरी पर। और हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार मोहरा जी, और वो कहते हैं मेलोडियस वॉइस, गॉड ब्लेस योर पेरेंट्स आल्सो। देखिए जो बात मैं कर रहा हूं, और अशोक जी बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, वो भी ये मानते हैं और हर कोई मानता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप अशोक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे बस, सब हमें आप अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, हमें बहुत सारा प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, और थैंक यू थैंक यू सो मच। अपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मैं सिर्फ प्यारे प्यारे कमेंट्स ही यहां लेके आ रहा हूं, बाकी मैंने अपने पास रखे हुए हैं। और पूजा भी लिख रही है, यू आर आल्सो बटरफ्लाइज एंड परी ऑफ फैमिली। सच, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे की ओर हम चलते हैं। हम कौन सा आप हमें इंग्लिश सॉन्ग सुनाएंगे? एक्चुअली ये जो सॉन्ग था ये स्कूल टाइम पे हमने सीखा था, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं प्रैक्टिस की इस सॉन्ग की। चलिए तो जितना आप अब गा हम सकती हैं उतना गाइए। जी अब हम गाएंगे ब्लोइंग ऑफ द कैंडल्स। प्लीज गो अहेड, ब्लोइंग अप द कैंडल्स, ब्लोइंग आउट द कैंडल्स। ब्लोइंग आउट द कैंडल्स। हां चलिए ब्लोइंग आउट द कैंडल्स, अनदर बर्थडे केक, old enough to look back and laugh at my mistake, young enough to look at the future and like what I see, and my best days are ahead of me. My best days are ahead of me. Life hasn't always been a party, but mostly it's been good. There's only one or two things that would change if I could. Ever get lost in the past or get stuck in some sad memory? My best days are ahead of me. My best days are ahead of me. Age is nothing but a number. Sometimes I have to wonder, what does it really mean? But hey, I'm still putting it together. I keep getting better. If I keep getting better, I can be whatever I want to be. My best days are ahead of me. My best days are ahead of me. Thank you. Marvelous, marvelous, so nice, so good.
एंड पापा इज सेइंग दैट यस ऑफ कोर्स बेस्ट डेज आर अहेड ऑफ यू, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे दिन आपके लिए आगे इंतजार कर रहे हैं और ये हमारी कामना भी है। और संजय जी कह रहे हैं कि वाह इवन दिस साउंड सो गुड, यू बोथ साउंड्स लाइक वन वॉइस, गॉड ब्लेस यू। और यही मैं चाहता हूँ, यही मैं चाहता हूँ कि आपको कम से कम इस चीज का अंदाजा हो कि जो क्वालिटी आप में है लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं, और उसके ऊपर जब आप काम करेंगे तो आने वाले दिनों में ये दो आवाजें एक आवाज बनेगी और वो आवाज बहुत कमाल की होगी। और आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं रेडियो वितस्ता की अध्यक्षा किरणी दास जो मेरी धर्म पत्नी है, और उनको भी आपकी जो वॉइस है बहुत पसंद आई है, वो लिख रही हैं ब्यूटीफुल वॉइसेस। और अशोक जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, गॉड ब्लेस यू कह रहे हैं आपको। और आगे की ओर हम चलते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से तारिक लोन, उनको भी आपका ये गाना पसंद आया, वो कह रहे हैं नाइस। और सुचित्रा जी कह रही हैं गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद इमेंस टैलेंट, और यही हमारी कोशिश है कि इस टैलेंट को हम निखारें। और जितने भी कमेंट्स आए तो क्या कहेंगे श्रेया और सिमरन इन सब लोगों को? मैं हर बार यही बोलना चाहूंगी, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए, और ऐसी अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए हमें। एक मैंने पंजाबी गाना आपका सुना था, लाया लाया मैं तेरे नाल, तो क्या आप हमें सुना सकती हैं वो? जी हाँ जी। और हमें अच्छा, मुझे क्या अच्छा लगता है कि जब आप गाना स्टार्ट करती हैं तो आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आंखों से आप इशारा करते हैं चलिए गो अहेड, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप ये गाना भी शुरू करें प्लीज। लाया लाया हाय, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी मेरे को ना, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया तेरे नाल ढोलना वे, लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाया लाया हाय, सदरा दे बोहे वे मैं तेरे लई खोले, होवे ना तू कदे होना अखियां ते होले, हाय सदरा दे बोहे वे मैं तेरे लई खोले, होवे ना तू कदे होना अखियां ते होले, तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना ते तेरे नाल मरना, प्यार मेरा हो प्यार मेरा तू तकरीच तोलना वे, प्यार मेरा तू तकरीच तोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना वे, मैं लुटी गई ढोलना वे, मैं लुटी गई लाइया लाइया हाय, सिले सिले प्यार दा कवे तेनु गजरा, बीजे बीजे अखिया दा डोलना है गजरा, हाय सिले सिले प्यार दा कवे तेनु गजरा, बीजे बीजे अखिया दा डोलना है गजरा, दिले शदाई मेरा दिल ये दीवाना,
मैं तेरी चली आद तू मेरा सियाणा, मैनू गलदा हो मैनू गलदा बना के रखी ढोलना, वे मैनू गलदा बना के रखी ढोलना, एक दिल सी रिया मेरे को ना, वे मैं लुटी गई ढोलना, वे मैं लुटी गई हाँ, लाइया लाइया हो, बहुत खूब बहुत खूब, गॉड ब्लेस यू बोथ, बहुत खूब बहुत खूब। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। और आज आप लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दी हर भाषा में, और यही रेडियो वितस्ता का बेस भी है। रेडियो वितस्ता एक यूनिवर्सल रेडियो है जो कश्मीरी में ब्रॉडकास्ट करता है, जो हिंदी में ब्रॉडकास्ट करता है, जो पंजाबी में ब्रॉडकास्ट करता है, हरियाणवी में ब्रॉडकास्ट करता है, और साथ में बंगाली में भी हमने ब्रॉडकास्ट किया है। यही मेरी सोच यहाँ पर भी है इस शो का भी, कि जो भी कोई भी गेस्ट हमारे पास आए वो हर भाषा के गीत गाए, ताकि वो ये अंदाजा लगाए कि संगीत की जो जो भाषा है वो एक है, चाहे बेशक शब्द अलग अलग हों। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपनी मदर टंग को रिप्रेजेंट करते हैं, कश्मीरी में आप गाते हैं और साथ में आप पंजाबी में भी गाते हैं, तो या आप हरियाणवी में भी आगे आने वाले दिनों में कोई गाना तैयार करें वो गाएं। और यह सबसे बड़ी अच्छी बात है कि संगीत हम सबके लिए एक समान है, और चाहे उसकी भाषा कोई है। हमारे साथ पठानकोट से जुड़े हैं सतीश सचदेवा जी, जो बहुत ही अच्छे गायक हैं, और वो कह रहे हैं कि रेडियो वितस्ता ग्रेट गोइंग, और उनको भी आपका जो गाना है वो पसंद आया। वो कहते हैं ब्लेस्ड सिस्टर्स, ब्लेस्ड सिंगिंग, स्टे ब्लेस्ड। और खास करके जो आपके इस कला में है, वो आपकी सिंगिंग की अगर तारीफ करता है तो इसका मायने बहुत बड़ा आता है। पर आवाज को लोगों तक पहुंचाएं, और नरमी से, और हमेशा नरम दिल रहें, ताकि आप हर एक व्यक्ति की बात सुन सकें। श्रेया और सिमरन, इस प्रोग्राम का समय अब समापन की ओर है, तो मैं चाहूंगा कि आप जो आने वाले समय में जो आगे का जो हम गीत और जो लेंगे, उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि आप अपने गुरुजन का नाम लेके उनको आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो अपने गुरु को आप कौन सा स्थान देते हैं, कितने आप उनको उनसे प्रेरणा लेते हैं, कितना आप उनको प्यार करते हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए डायरेक्ट इस प्रोग्राम के माध्यम से दो शब्द कहें। जी बिल्कुल, अगर मेरी गुरु सुनैना कौल मैम अगर ये शो देख रही हैं तो सबसे पहले उनको मैं नमस्कार करती हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ मैम, आप हमेशा हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दें, हमें ऐसे ही सिखाते रहिए, ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए हमें, और बस हमें आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और कुछ नहीं, और हमें ऐसे ही आप अच्छे से सिखाते रहिए ताकि हम आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छे से गाते रहें। बिल्कुल यस, गुड 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 गुड, ऐसे ही होता है, एक दूसरे का सपोर्ट होता है। जब एक साइड थोड़ा सा वीक हो गया और दूसरा साइड ताकतवर हो गया, बहुत अच्छी बात है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितने भी गुरुजन हम सब लोगों को सिखाते हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए और अन्य उनका नाम भी लेना चाहिए जहां भी प्लेटफॉर्म हमें मिलता है, तो ये मेरी कोशिश रहती है। अब हम इस प्रोग्राम के आखिरी लम्हे में है, और आखिरी में हम इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी हमारे सीमा सुरक्षा बल है, हम उनको नमन करते हैं, उनको नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और हम उनको साथ हेलो करते हैं, सैल्यूट करते हैं, जो इस समय देश की सुरक्षा में तैनात है, चाहे बॉर्डर पे है, चाहे कहीं पर भी है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे सीमा सुरक्षा बल को अपनी ओर से मैसेज दें, और उसके बाद मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कोई भी गाना, कोई भी कुछ लाइंस आप उनके लिए गाएं, ताकि उनको ये हौसला हो कि हम उनके साथ हैं, हम अपने घरों में हैं और वो सीमाओं पर देश की बिल्कुल सुरक्षा कर रहे हैं। प्लीज।
आप पहले मैसेज बताइए और उसके बाद उनके लिए कुछ आप गाएं तो वो हम लेंगे, प्लीज। सबसे पहले तो हम अपने वीर जवानों को एक सल्यूट करना चाहेंगे, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे सेफ हैं, वो वहाँ देश के लिए भी और हमारे लिए भी लड़ रहे हैं, उन्हीं की वजह से आज हम अपने परिवार के साथ फेस्टिवल मनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सब उन्हीं की वजह से, तो हम उनको एक सल्यूट करना चाहेंगे और आज हम उनके लिए एक छोटा सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगे। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दू, तुझ पे कोई गम की आज आने नहीं दू, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान मुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, मैं जहां रहूं जहां मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे जय हिंद। बहुत खूब, जय हिंद। और इसके साथ ही हम आज इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। मेरा मन तो नहीं कर रहा है, पर हर एक चीज की एक समय सीमा होती है, और आज मैं बहुत खुश हूं और बहुत एंजॉय मैंने किया, और आप लोगों ने मुझे आज भावुक भी कर दिया बीच में, और बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने आज प्रोग्राम दिया और आपने प्रस्तुति दी, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं अपनी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, मेरे अपने परिवार की ओर से आपके अच्छे दिनों की हम कामना करते हैं, और उन सब लोगों का भी धन्यवाद करते हैं जो हमसे इस शो में जुड़े, और उन सब की ओर से भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको अच्छे दिनों की कामना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे गाएं और हम ऑडियंस में हो और हम आवाजें देते रहे हैं, श्रिया और सिमरन, और आप हमारी आवाज आप तक ना पहुंची, इतने सारे लोग हो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।